नमस्कार, वीकेबी न्यूज के खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें, वो भी मेरे साथ। त्रिपुरा में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा को लेकर महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार दूसरे दिन भी हिंसा जारी है, तो स्पेशल नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस कोर्ट ने ड्रग ऑन क्रूज मामले में अन्य आरोपी मोहक जायसवाल को जमानत दे दी है। इस बीच मुंबई में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके करीब 4.5 लाख लाभार्थी दूसरी खुराक से चूक गए हैं। इन्हें खोजने का काम वार्ड स्तर पर बने वॉर रूम को सौंपा गया है। उधर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के आज़ादी वाले विवादित बयान के बाद देश भर में उनकी आलोचना की जा रही है। मुंबई स्थित उनके घर के बाहर NSUI के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत 15 नवंबर तक बढ़ा दी है। प्रदेश की इन 5 बड़ी और ताजा तरीन खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। पूर्वोत्तरीय राज्य त्रिपुरा में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा को लेकर महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार दूसरे दिन भी हिंसा जारी है। अमरावती में प्रदर्शन के दौरान स्थिति नाजुक बनी हुई है। अमरावती में हिंसा और पथराव के विरोध में आज दूसरे पक्ष की तरफ से प्रदर्शन का ऐलान किया गया। प्रदेश के गृह मंत्री ने सभी लोगों से शांति की अपील की है। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव में हुई हिंसा की निंदा करते हुए कहा, हम किसी भी तरह की हिंसा की निंदा करते हैं। मैंने देवेंद्र फडणवीस और अमरावती के सांसद से बात कर शांति और सामाजिक सौहार्द स्थापित करने में मदद की अपील की थी। हम स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि रजा अकादमी ने यहां घटना के विरोध में प्रदर्शन निकाला था। कुछ युवक रिहायशी इलाकों की तरफ जाने लगे, जिस पर पुलिस ने उन्हें रोका। इसके बाद इन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव में 7 से 8 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया। अमरावती DCP विक्रम साली ने कहा कि 5 शिकायतों के आधार पर मामला दर्ज किया जा रहा है। स्पेशल नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कोर्ट ने ड्रग ऑन क्रूज मामले में अन्य आरोपी मोहक जायसवाल को जमानत दे दी। जायसवाल को 50,000 रुपये के जमानत मुचलके पर जमानत मिली। जायसवाल को 3 अक्टूबर को अभिनेता शाहरुख के बेटे आर्यन खान सहित 7 अन्य लोगों के साथ मुंबई के तट पर एक क्रूज जहाज पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की छापेमारी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। 2 अक्टूबर को एक NCB टीम ने कार्डेलिया क्रूज जहाज पर एक कथित ड्रग्स पार्टी का भंडाफोड़ किया था। मामले में अब तक 2 नाइजीरियाई नागरिकों समेत कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर को आर्यन अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी थी। इस बीच नवाब मलिक ने BJP नेताओं पर तंज कसते हुए कहा है कि जिस तरह से ईडी का मिसयूज किया जा रहा है, उसे हर कोई समझ रहा है। हमें यह भी पता है कि आकाओं को खुश करने के लिए ईडी ने पुणे में गुरुवार को छापेमारी लिखी थी, लेकिन कितना भी डराने की कोशिश की जाए, नवाब मलिक डरने वाला नहीं है। मुंबई में इन दिनों वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ी हो गई है। सितंबर में वैक्सीनेशन सेंटरों पर लगने वाली भीड़ अब नदारद हो गई है। वैक्सीनेशन के कम होने की प्रमुख वजह लाभार्थियों के वैक्सीनेशन केंद्रों पर न आना बताई जा रही है। बड़ी बात यह सामने आ रही है कि मुंबई में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके करीब 4.5 लाख लाभार्थी दूसरी खुराक से चूक गए हैं। इन्हें खोजने का काम वार्ड स्तर पर बने वार रूम को सौंपा गया है। अब तक किए गए कॉल्स में 10,000 लाभार्थियों के मोबाइल या तो स्विच ऑफ पाए गए या फिर आउट ऑफ नेटवर्क मिले। BMC के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने बताया कि मुंबई में करीब 4,73,000 ऐसे लाभार्थी हैं जो पहली खुराक लेने के बाद दूसरी खुराक का समय आने के बाद भी टीके लगवाने के लिए केंद्र पर नहीं पहुंचे। दूसरे डोज लेने के लिए केंद्र पर न पहुंचने वाले सभी लाभार्थियों को तलाशने का जिम्मा वार्ड वार रूम को सौंपा गया है। हर वार्ड में 20,000 से 23,000 लाभार्थी है जो दूसरी डोज लेने नहीं आए हैं। काकानी ने कहा कि शुरुआत में सभी लाभार्थियों को उनके मोबाइल के जरिए संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक 24 वार्डों में किए गए संपर्क में से 10,000 लाभार्थी में से अधिकतर के मोबाइल फोन स्विच ऑफ या आउट ऑफ नेटवर्क एरिया पाए गए हैं। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के आज़ादी वाले विवादित बयान के बाद देश भर में उनकी आलोचना की जा रही है। इसी कड़ी में मुंबई स्थित उनके घर के बाहर NSUI के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि पिछले दिनों भीख में मिली आज़ादी को लेकर दिए बयान पर कंगना काफ़ी विवादों में आ गई है। चारों तरफ आलोचना की जा रही है। काफ़ी लोगों ने इस बयान पर कंगना का पद्मश्री सम्मान वापस लिए जाने की भी मांग की है। अब इस विवाद पर कंगना ने अपनी सफाई दी है और कहा है कि वह अपना पद्मश्री सम्मान लौटा देगी अगर कोई उन्हें यह बताए कि 1947 में क्या हुआ था।
कंगना ने बयान पर सफाई देते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि 1857 में आज़ादी के लिए पहली संगठित लड़ाई लड़ी गई, इसलिए 1857 का मुझे पता है, लेकिन 1947 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अगर कोई मेरी इस बात पर जानकारी बढ़ाए तो मैं अपना पद्मश्री अवार्ड वापस कर माफ़ी मांग लूँगी, कृपया मेरी मदद करें। कंगना के बयान के बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना और NCP ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आम आदमी पार्टी ने मुंबई पुलिस से कंगना के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किए जाने की मांग की है। BJP की सांसद वरुण गांधी ने भी कंगना के बयान की आलोचना करते हुए इसकी तुलना देशद्रोह से की थी। मुंबई की एक विशेष अदालत ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत 15 नवंबर तक बढ़ा दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत 1 नवंबर को गिरफ्तार किया था। विशेष अवकाशकालीन अदालत ने 6 नवंबर को 71 वर्षीय देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजा था और ED की हिरासत बढ़ाने की मांग खारिज कर दी थी। इसके एक दिन बाद ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए देशमुख को 12 नवंबर तक ED की हिरासत में भेज दिया था। पूर्व मंत्री को कल PMLA की विशेष अदालत के न्यायाधीश HS सडबाई के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उनकी हिरासत की अवधि 15 नवंबर तक बढ़ा दी। ED ने कहा कि देशमुख का सामना उन नए सबूतों से कराने के लिए उनकी हिरासत जरूरी है। दूसरी तरफ ED की हिरासत बढ़ाने की मांग का विरोध करते हुए देशमुख के वकील ने पूछा कि उसने मामले में अन्य आरोपी और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वझे को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया है, तथा मुंबई पुलिस के पूर्वायुक्त परमबीर सिंह को कभी पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया गया। बता दें कि पूर्व सहायक पुलिस निरीक्षक वाजे को उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास के पास एक SUV गाड़ी में विस्फोटक मिलने और उसके बाद कारोबारी मनसुख हिरेन की मौत के बाद मार्च 2021 में गिरफ्तार किया गया था। आमतौर पर राजनीतिक दलों को एक दूसरे के खिलाफ तलवार निकालते ही देखा जाता है, लेकिन कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने दो टूक ये भी कहा है कि कोई अच्छा काम करता है तो तारीफ होनी चाहिए। उधर मध्य प्रदेश के छतरपुर में मोबाइल की बैटरी में ब्लास्ट होने से 12 साल का लड़का बुरी तरह घायल हो गया है, इलाज जारी है, स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इस बीच भोपाल में स्थित देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज नए रूप में बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को इसका लोकार्पण करेंगे। इसका नाम अब रानी कमलापति स्टेशन होगा। दिल्ली में लॉकडाउन जैसी स्थिति नजर आ रही है। प्रदूषण की वजह से धुंध की मोटी चादर ने वहां के आसमान को ढक लिया है, तो देश में कोरोना का प्रकोप कम होने के साथ ही रेल मंत्रालय ने स्पेशल ट्रेनों का परिचालन बंद करने और नियमित ट्रेनों को बहाल करने का फैसला किया है। लोगों को सीधे प्रभावित करने वाली देश की इन 5 बड़ी और ताजी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रमोद माधवराज ने पेजावर मठ के प्रमुख रहे विश्वेश तीर्थ स्वामी जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम निर्धारण करने का ट्रेंड बदल गया है। पहले ट्रेंड था कि जो पुरस्कार के लिए आवेदन करेंगे उन्हें ही पुरस्कार दिया जाएगा। अगर मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद ये बदल गया है, अगर कोई अच्छा काम करता है तो हमें इसकी सराहना करनी चाहिए। बता दें कि विश्वेश तीर्थ स्वामी जी को अध्यात्म के क्षेत्र में योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार विश्व प्रसन्ना तीर्थरू ने प्राप्त किया। प्रधानमंत्री मोदी 2014 में चुनाव जीतने और प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद स्वामी जी से मिलने पहुंचे थे। विश्वेश तीर्थ ने 7 साल की उम्र में संन्यास लिया था। वे 1954 से पेजावर मठ के प्रमुख रहे। स्वामी श्री विश्वेश तीर्थ के हाथों ही गरीब बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने वाली अखिल भारतीय मधवा महामंडल की स्थापना हुई थी। पूरे देश में उन्होंने कई ऐसे धर्मस्थलों और मठों का निर्माण किया है जो तीर्थयात्रियों की सेवा में लीन है। राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर गौरक्षा जैसे मुद्दों को इन्होंने पुरजोर समर्थन किया। शायद यही वजह है कि देश में ये राष्ट्र स्वामी जी के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मोबाइल की बैटरी में ब्लास्ट होने से 12 साल का लड़का बुरी तरह घायल हुआ है। घायल 12 साल का अफजल पुत्र हासिम खान छतरपुर जिले के कुर्राहा गाँव का रहने वाला है। वह अपनी माँ रुखसार बेगम के साथ मामा के यहाँ पड़ोसी UP के गांव श्रीनगर में गया था। माँ रुखसार बेगम ने बताया कि उसे सड़क पर मोबाइल की बैटरी पड़ी मिली थी। वह उसे घर लाया और खेल खेल में इसके एक पॉइंट से तार दूसरे पॉइंट में जोड़ दिए,
तेज धमाके के साथ बैटरी फटी और इसके टुकड़े उसके शरीर में घुस गए। लीवर में टुकड़ा घुसने से ब्लीडिंग हो रही है। फेफड़े के अलावा हाथ पैर मुंह पेट सीने में गंभीर चोटें आई हैं। बच्चा जिला अस्पताल में भर्ती है। बच्चे का इलाज कर रहे जिला अस्पताल के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर वीपी सेशा के मुताबिक बच्चे की हालत गंभीर है। बैटरी के टुकड़े से शरीर का अंदरूनी हिस्सा डैमेज हुआ है। बैटरी का एक टुकड़ा लीवर में तो दूसरा टुकड़ा फेफड़े में घुसा है। लीवर की ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है। ऑपरेशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। हम हालत पर नज़र बनाए हुए हैं। पूरी टीम बच्चे की देखरेख में लगी हुई है। हादसे को लेकर उन्होंने कहा कि घर के बड़े सतर्क रहे, बच्चों को मोबाइल से दूर रखे, ज़रूरत हो तो ही दे, वह भी अपनी देखरेख में। मोबाइल चार्ज करते समय तो मोबाइल बिल्कुल भी नहीं चलाए। भोपाल में स्थित देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज नए रूप में बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को इसका लोकार्पण करेंगे। इससे पहले स्टेशन का नाम भी बदल दिया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब रानी कमलापति स्टेशन हो गया है। राज्य के परिवहन विभाग ने स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, जिसे मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि रानी कमलापति भोपाल की अंतिम गोंड आदिवासी शासक थी। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का निर्माण 1979 में किया गया था। मध्य प्रदेश के हजार साल के इतिहास पर लिखी गई किताब चौथा पड़ाव में रेलवे स्टेशन की कहानी भी है। इसके मुताबिक भोपाल नवाब परिवार की मिल्कियत वाली जमीनों में 122.36 किलोमीटर रेलवे लाइन भी थी। होशंगाबाद से भोपाल तक 70.80 किलोमीटर रेल लाइन के लिए बेगम शाहजहां ने 1 नवंबर 1884 को जमीन दी थी। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के साथ एग्रीमेंट किया था। इसके बाद भोपाल स्टेट रेलवे बनाया गया था। इसमें बेगम शाहजहां ने 50 लाख रुपए दान दिए थे। इसका हबीबगंज नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की हरियाली और झीलें इसकी सुंदरता को बढ़ा देती थी। अरबी भाषा में हबीब का अर्थ होता है प्यारा और सुंदर। भोपाल के नवाब की बेगम ने यहाँ की हरियाली और झीलों के बीच बसे इस गांव का नाम हबीबगंज रखा था। प्रदूषण इस समय सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की चिंताओं में शामिल है। ऐसे समय में जब COP26 जैसे सम्मेलनों में जलवायु परिवर्तन पर गंभीर चर्चाएं हो रही है, स्विट्जरलैंड स्थित जलवायु समूह IQ एयर की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा ने दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 3 शहर भारत के हैं। इस लिस्ट में पाकिस्तान और चीन के भी इलाके शामिल हैं। सबसे प्रदूषित शहरों की इस लिस्ट में दिल्ली 556 AQI वायु गुणवत्ता के साथ टॉप पर है। कोलकाता चौथे नंबर पर है और मुंबई छठे स्थान पर है। सबसे खराब AQI सूचकांक वाले शहरों में पाकिस्तान में लाहौर और चीन में चेंगदू भी शामिल है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के निर्णय समर्थन प्रणाली ने बताया कि दिल्ली को अन्य शहरों से भी प्रदूषक प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें कि झज्जर, गुरुग्राम, बागपत, गाजियाबाद और सोनीपत शामिल हैं। 0 से 50 के बीच के AQI को अच्छा, 51 से 100 को संतोषजनक, 101 से 200 के बीच को मध्यम, 201 से 300 के बीच को खराब, 301 से 400 के बीच को बहुत खराब और 401 से 500 के बीच को गंभीर श्रेणी में माना जाता है। दिल्ली NCR में शनिवार को भी धुंध की मोटी चादर देखी गई। वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली में अब इमरजेंसी जैसे हालात होने वाले हैं। प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को घरों से बाहर जाने से बचने की सलाह दी है। रेलवे से सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। देश में कोरोना का प्रकोप कम होने के साथ ही रेल मंत्रालय ने स्पेशल ट्रेनों का परिचालन बंद करने और नियमित ट्रेनों को बहाल करने का फैसला किया है। रेलवे के ताज़ा फैसले का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि रेल यात्रियों को अब यात्रा के लिए अतिरिक्त किराया नहीं चुकाना होगा। स्पेशल का दर्जा होने के कारण यात्रियों से 30% ज़्यादा किराया वसूला जा रहा था। इससे यात्रियों को किराए पर राहत तो मिलेगी, पर कोरोना काल से पूर्व में मिलने वाली कई सुविधाएं नहीं मिलेगी। रेल मंत्रालय ने सर्कुलर में कहा कि अगले कुछ दिनों में रेगुलर ट्रेनों का परिचालन लागू हो जाएगा। सर्कुलर में साफ कहा गया है कि भले ही स्पेशल किराया खत्म किया जा रहा है, लेकिन ट्रेनों का किराया प्री कोविड लेवल पर ही रहेगा। पहले की तरह कंबल, कंसेशन और पेंट्री की सुविधा बहाल नहीं होगी। नियमित परिचालन के बावजूद राजधानी और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में भी पेंट्री में कोरोना वाली स्थिति रहेगी, यानी ताज़ा खाना नहीं मिलेगा बल्कि रेडी टू ईट फूड मिलेगा। साथ ही जनरल टिकट वाला सिस्टम भी खत्म होने जा रहा है। अब सिर्फ रिजर्व और वेटिंग टिकट वालों को ही यात्रा करने की अनुमति रहेगी। ध्यान रहे, कोरोना काल से पूर्व यात्रियों की मिलने वाली विशेष छूट भी बहाल नहीं की गई है। इसमें बुजुर्गों को रेल किराए में मिलने वाली छूट भी शामिल है। दुनिया भर में रोज अनगिनत घटनाएं घटित होती हैं। इनमें से किसी का हमसे सीधा संबंध होता है तो किसी का परोक्ष असर पड़ता है, क्योंकि ये सभी मानवीय होती हैं। मगर खगोलीय घटनाओं का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है।
ऐसे ही एक घटना चंद्र ग्रहण के रूप में सामने आने वाली है। ये इसीलिए खास है क्योंकि 1000 वर्ष के बाद ये संयोग बन रहा है। इस बीच शर्मसार करने वाली घटना पाकिस्तान से आ रही है, जहां एक महिला कैदी को जेल में ही कपड़े उतारने पर मजबूर किया गया, उसे निर्वस्त्र कर डांस भी कराया गया, तो दूसरी तरफ कोरोना फिर डराने लगा है। यूरोप में महामारी का कहर बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित पश्चिमी यूरोप है, जहां संक्रमितों की बढ़ती संख्या के चलते लॉकडाउन जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। उधर भारत की ओर से अफगानिस्तान में पहुंचाए जाने वाले अनाज को लेकर पाकिस्तान के अड़ंगे भी भर्त्सना की जा रही है। तो 18वीं सदी में टीपू सुल्तान के सोने से बने सिंहासन का हिस्सा रहे सोने से जड़े बाघ के सिर को खरीदने के लिए अब ब्रिटेन खरीदार ढूंढ रहा है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और ताज़ातरीन खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। धरती पर अगले हफ्ते एक अद्भुत खगोलीय घटना घटने जा रही है। दुनिया में 1000 वर्षों में पहली बार सबसे लंबा आंशिक चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इससे पहले 18 फरवरी वर्ष 1440 को पृथ्वी पर इतना लंबा आंशिक चंद्र ग्रहण देखा गया था। इस तरह का नज़ारा देखने के लिए लोगों को 8 फरवरी 2669 का इंतजार करना होगा। अगले हफ्ते 18 और 19 नवंबर को यह आंशिक चंद्र ग्रहण भारत समेत पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक यह चंद्र ग्रहण करीब 21,693 सेकंड का रहेगा, जो करीब 6 घंटे और 2 मिनट होता है। वेबसाइट ने बताया कि साल 1440 से लेकर वर्ष 2669 के बीच यह सबसे लंबा आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। भारत में चंद्र ग्रहण को बहुत कम समय के लिए देखा जाएगा और यह पूर्वोत्तर के राज्यों अरुणाचल प्रदेश और असम में देखा जाएगा। इसे कुछ समय के लिए दिल्ली में भी देखा जाएगा। भारत के अलावा अफ्रीका, पश्चिमी यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के ऊपर भी इस चंद्र ग्रहण को देखा जा सकता है। भारत के मौसम विभाग का कहना है कि भारत में आंशिक चंद्र ग्रहण दिन में 12:48 से शुरू होकर 19 नवंबर को शाम 4:17 तक चलेगा। भारत में यह इस साल आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। अगला चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 को भारत में देखा जाएगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक महिला कैदी के साथ अमानवीय व्यवहार की घटना सामने आई है। महिला कैदी को शबाना इरशाद नाम की एक महिला पुलिसकर्मी ने जेल में ही कपड़े उतारने पर मजबूर किया। इतना ही नहीं, उसे निर्वस्त्र कर डांस भी कराया गया। जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि पुलिसकर्मी शबाना इरशाद ने परीगुल नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया था। उस पर एक बच्चे की हत्या का आरोप था। मामला सामने आने के बाद पुलिस विभाग की ओर से महिला पुलिसकर्मी को बर्खास्त कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि महिला पुलिसकर्मी ने एक महिला कैदी के खिलाफ अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और उसके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया। जांच में दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने बताया कि महिला कैदी को कोर्ट द्वारा पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। दूसरी तरफ पुलिसकर्मी जांच कमेटी के सामने अपने बचाव में कुछ भी दलील नहीं पेश कर पाई, जिसके बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मोहम्मद अजहर अकरम ने बताया कि घटना की पुष्टि हो गई है। महिला पुलिसकर्मी ने जेल में सभी के सामने महिला कैदी को कपड़े उतारने और नाचने को मजबूर किया। यूरोप में कोरोना वायरस महामारी का कहर बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित पश्चिमी यूरोप है, जहां संक्रमितों की बढ़ती संख्या के चलते लॉकडाउन जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर अलेक्जेंडर शालेनबर्ग ने ऐलान किया है कि अपर ऑस्ट्रेलिया और साल्सबर्ग में टीके की खुराक न लेने वाले लोग खास वजह जैसे जरूरत का सामान खरीदने, डॉक्टर से मिलने या नौकरी के लिए ही घरों से बाहर निकल पाएंगे। बताया गया है कि ऑस्ट्रिया के साथ पड़ोसी जर्मनी में भी संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है, लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा हो गई है। हैरत यह है कि कोरोना वायरस महामारी के तकरीबन 2 साल बाद भी यूरोप के उस पश्चिमी क्षेत्र में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जहां टीकाकरण की दरें अधिक है और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियां अच्छी है। नीदरलैंड्स में भी महामारी फैलने के बाद से संक्रमण के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए। अस्पतालों की ओर से चेतावनी दी गई है कि आगे हालात और बिगड़ सकते हैं। एक समय यूरोप में कोरोना वायरस में सबसे अधिक प्रभावित रहे स्पेन में 80% आबादी को टीके की खुराक दे दी गई है। अनिवार्य नहीं होने के बावजूद लोगों ने मास्क लगाना जारी रखा है, बावजूद इसके वहां संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर इसे काफी गंभीरता के साथ लिया जा रहा है। भारत ने अफगान लोगों की मानवीय मदद देने में काफी योगदान दिया है। इसमें पिछले दशक से लेकर अब तक अफगानिस्तान को 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं देना भी शामिल है। अब एक बार फिर भारत की तरफ से काबुल को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं पहुंचाने की बात की जा रही है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत के इस फैसले का स्वागत किया है, मगर एक पेंच है। भारत से अफगानिस्तान तक जाने के लिए सड़क मार्ग पाकिस्तान से होकर गुजरता है
और अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए भारत अफगानिस्तान में गेहूं पहुंचाना चाहता है। भारत ने अफगानिस्तान से इस काम के लिए उसकी ज़मीन के इस्तेमाल की अनुमति मांगी तो पाकिस्तान की फितरत सामने आ गई। इजाज़त देने से वह साफ इनकार करता रहा। अड़ंगा अभी भी लगाए बैठा है। हालांकि इमरान सरकार ने थोड़ी नरमी के संकेत दिए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि वे अफगानिस्तान तक अनाज पहुंचाने के भारत के प्रस्ताव पर सकारात्मकता से विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मानवीय आधार पर एक संकटग्रस्त देश की सहायता पर हमारी सरकार में भी रजामंदी है और भारत के अनुरोध पर इसी दृष्टि से विचार भी किया जा रहा है। उनकी टिप्पणी तब आई है जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की अपनी पहली विदेश यात्रा पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। वह 20 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। 18वीं सदी में टीपू सुल्तान के सोने से बने सिंहासन का हिस्सा रहे सोने से जड़े बाघ के सिर को खरीदने के लिए अब ब्रिटेन खरीदार ढूंढ रहा है, इसलिए इसे अस्थायी रूप से प्रतिबंधित निर्यात की सूची में डाल दिया गया है। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित निर्यात की सूची में रखने से ब्रिटेन की किसी गैलरी या संस्थान को यह ऐतिहासिक वस्तु खरीदने के लिए वक्त मिल जाएगा। यह टीपू सुल्तान के सिंहासन पर लगे सोने से जड़े बाघ के 8 सिरों में से एक है। यह सोने से बने बाघ का सिर है और इसमें हीरा, रूबी और पन्ना जैसे दुर्लभ रत्न लगे हैं। इसकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपए आकी गई है। अगर खरीदने वाला किसी दूसरे देश का होता है तो यह सोने का बाघ ब्रिटेन से बाहर जा सकता है। बताया जाता है कि ऐसे 5 बाघ मौजूद है और इस पर सोने से कुछ लिखा है जिसके रहस्य का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। मूल रूप से सोने के 8 बाघ बनाए गए थे। बता दें कि टाइगर ऑफ मैसूर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान के नाम से ब्रिटिश हुकूमत कांपती थी। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान जब तक जिंदा रहे वह अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन बने रहे। उनकी मौत के बाद अंग्रेजों ने मैसूर पर कब्जा कर लिया और उनके खजाने को लूट लिया। एक समय उन्होंने ऐलान किया था कि टाइगर के रूप में एक दिन जीना भेड़ के रूप में 1000 साल जीने से बेहतर है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीके वी न्यूज़। नमस्कार।